मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के लिए फिरादा गांव में से कोटा निर्वाचन में दौरान मार्केट से तमाचा लहरा कर फायर करने वाला युवक गिरफ्तार। मालूम ही होगा कि व्यक्तिगत दिवस के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में से ग्राम फिरादा में से कोटा निर्वाचन के दौरान वे अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में से दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें से एक युवक नजायज असला लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था और वह आज मोहम्मदी पुलिस से वीडियो के लिए निशानदेही पर वह असला लहराने वाले अभियुक्त को वह असलाबा के लिए कारतूस सैप में से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक खीरी पूनम द्वारा चलाए जा रहे लोकतंत्र अपराध के लिए एवं गिरफ्तारी अभियान मोहम्मदी शेठा के ठाकुर के लिए और दो पक्षों में मारपीट के फायरिंग के संबंध में से पंजीगत मामला और वह बदवी की आगे बातचीत अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी के लिए प्रधान निरीक्षण और संजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में क्षेत्र के लिए भी वह पूरा मामला। जिन लोगों ने ये बलवा किया था उन लोगों का मुकदमे में और जिसने ये फायरिंग और उसके बताया गया जो वायरल हुआ है उसको जो है लगभग 25 में 3/25 में मैं 315 बोल तमंचे के गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियुक्त कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है? टोटल 6 अभियुक्त हैं, 5 मुकदमे में है और एक जो है आर्म्स एक्ट में। अभी कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है? अभी जो है पीयू शर्मा को जेल भेजा जा रहा है। पीयू शर्मा मौजूदा प्रधान है का नाम है, प्रधान के भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए